बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। चाहे बात सोशल मीडिया की हो या फिर ग्राउंड की, पटना से लेकर दिल्ली तक मांझी दलित अपमान की बात कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधानसभा में हुए अपमान के विरोध में हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी मंगलवार को अपनी पार्टी नेताओं के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने पहुंच गए हैं, जहां नीतीश कुमार स्वाहा के नाम पर हवन तो कर ही रहे थे, साथ ही नीतीश कुमार के हेल्थ बुलेटिन जारी करने की भी मांग कर रहे थे। हम नहीं कर रहे हैं, सब बिहार की जनता जानना चाहती है कि बिहार का मुख्यमंत्री आज क्यों चुप हैं, क्यों उनकी बातें सामने नहीं आ रही है, बीमार की बात कर रहे हैं, कैसी बीमारी है, क्या हालत है, क्योंकि वो किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति के मामला नहीं है, बिहार सरकार के हैं। तो स्वाभाविक है, सब लोग चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो। जीतन राम मांझी अब एनडीए के साथ हैं, ऐसे में मांझी के मंच पर गिरिराज सिंह भी पहुंचे और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए, कोई मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री नहीं होता, किसी पार्टी का, पूरे राज्य का, सूबे का होता। आज 14 करोड़ लोग के वो मुख्यमंत्री है। अगर उनका हेल्थ खराब है तो उसका हेल्थ बुलेटिन होना चाहिए, अगर नहीं खराब है तो उन्हें पब्लिक में आनी चाहिए। सर, इंडिया अलायंस में देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार दोनों दूरी बना रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, नीतीश बाबू जाके क्या करेंगे, वो सदन में अब कौन सा काम सूत्र सिखाएंगे? आपको बता दें कि बीते महीने नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में महिलाओं और जीतन राम मांझी को लेकर बड़ा बयान दिया। मांझी इन्हीं बयानों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली से अनमोल बाली की रिपोर्ट, बिहार तक।